नमस्कार। आज मैं आपको इतिहास के ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिसको कि हमारे देश ने कहिए या इतिहास ने से भुला दिया है। और वैसे ही बुरा मत मानिए भाइयों बहनों, जाटों को अक्सर इतिहास से गायब ही किया जाता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जाट हमेशा स्वतंत्रता प्रेमी और धर्मों को कम मानता है, और जो धर्म को कम मानता है उसके खिलाफ कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है कि उनको केवल अपने धर्म से मतलब है, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको अपने चढ़ावे और मंदिरों से मतलब है। जब आपकी जरूरत होगी तो आपको हिंदू कुछ भी बना लेंगे, उनको जरूरत होगी तो, और जब जरूरत नहीं होगी तो आपको जाट खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोल रही। एक बहुत बड़ी विडंबना रही है हमारे जाटों के साथ, और यही वजह है कि हमारे को उपयुक्त उपयुक्त स्थान इतिहास में कभी नहीं मिला। सब कहते हैं तैमूर लेन इंडिया में आया, तैमूर लेन ने पूरे इंडिया को हराया, दिल्ली को हराया, राज्य सबको हराता हुआ चला, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तैमूर लेन की मृत्यु का कारण कौन है या मोहम्मद गौरी को का मृत्यु का कारण कौन था? मुकर जाट था। और तैमूर लेन की मृत्यु का कारण कौन था? गुलिया भाई था। अब ये कौन गुलिया है, कहां से आया, क्या था क्या नहीं था, इसकी पूरा का पूरा परिचय आज की इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। गुलिया के बारे में ये लिखा गया कि गुलिया गोत्र के जो जाट है वो काबुल से हिंदुस्तान में आए थे। पुराणों में इसका नाम कुलिया लिखा है। समय के अनुसार बाद में ये लोग चलते गए और अपने आप को गुलिया लिखने लगे। मार्कंडे पुराण में लिखा है कि जो गुलिया लोग है ये मत्स्य जाट गोत्र थे, और ये जो है मध्य एशिया से इंडिया में माइग्रेट हुए थे। आगे चल के इनका जो ग्रुप था पूरा वो आगे रोहतक के पास एक बादली गांव है जिसको गुलिया वाली बादली भी कहते हैं, यहां आके ये बस गए। तो इनके आसपास के कई गांव जो है वो गुलिया भाइयों के हैं। हुआ क्या, जब राजस्थान से तैमूर लेन जीत के हरिद्वार जा रहा था तो बीच में ये रोहतक और गुलिया जो है बीच में बादली पड़ता है। अब होता क्या है कि तैमूर लेन के पास तो 12,000 घुड़सवार पूरे योद्धा थे, तो मीच माइन हमारा क्या हुआ, जो ये गोत्र थे खाप थे सब इकट्ठे हो गए। इन्होंने लड़ने के लिए सोचा और एक फौज बनाई, और उस फौज के जो है उप सेनापति हरवीर सिंह गुलिया भाई थे, समझे आप, ये उप सेनापति थे, सेनापति नहीं थे। ये किसने बनाया था, जो खाप पंचायतें होती हैं कि भाई ये देश आ रहा है, ये लड़ाकू आ रहा है, हमारे गांव को जाड़ेगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा, तो दे मेक अ फोर्स फाइट अगेंस्ट देम। ये पहले भी होता था, ये कोई पहला काम नहीं था, इससे पहले भी कई बार जो है गौरी से अब्दाली से सबसे लड़े थे। खाप पंचायत वाले कई बार क्या होते थे, जो राजा होते थे खापों से सिपाही भी मंगाते थे, क्योंकि पहले क्या होता था खाप में हर गांव में तकरीबन व्यायामशाला और ये कुश्ती का होता था, तो जो बच्चे मेहनती होते थे या जो अच्छे लड़ाकू हो जाते थे उनको फौज में ले लिया जाता था। तो होता क्या है यहां से, जो कि जब बादली के आसपास से तैमूर लेन की फौज जा रही थी तो यह तीन गोत्रों का कंसोलिडेशन होता है, गुलिया राठी और दलालों का। ये मिलके हालांकि संख्या में ज्यादा नहीं थे, काफी कम थे, और जब युद्ध हुआ तो कहते हैं कि हरवीर सिंह गुलिया का सामना तैमूर लेन से, तो इन्होंने लड़ते लड़ते तैमूर लेन को भाला मारा, और उस भाले से
क्या मुरलीन जख्मी हो गया। हरवीर सिंह गुलिया जी को तो आप समझते हैं जब इतने बड़े योद्धा को मारेंगे तो बाद मार दिया गया, लेकिन वहां तैमूर लेन की मृत्यु नहीं होती। अब यहां से क्या होता है, जहां तक मैं समझता हूं दोनों चीजों को मिलाते हैं, जहां तक ये हुआ होगा कि जो भाला लगा तैमूर लेन को उसको सेप्टिक या कुछ न कुछ ऐसी संक्रमण हो गए होंगे, जिसकी वजह से जब वो वापिस शकरकंद पहुंचे वहां जाकर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कारण कौन बना, हरवीर सिंह गुलिया मृत्यु का कारण। ऐसे ही जो है हिस्ट्री को दबाया गया, छिपाया गया, क्योंकि मेरे को जो लगता है, देखिए शक्ति का और ज्ञान का, ऐसे समझिए आप सरस्वती का और लक्ष्मी का, शक्ति का, इन तीन चीजों का कभी मेल बहुत कम होता है। जहां सरस्वती लक्ष्मी हो गया तो अमीर बहुत मिलेगा, जहां शक्ति भी साथ मिलकर आ गई लक्ष्मी सरस्वती शक्ति माँ, तो वो व्यक्ति बहुत तगड़ा राजा। आप जैसे कि जानते हैं हमारा हिंदू समाज जो है ये चार वर्णों में जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य। ब्राह्मणों ने अपने ज्ञान के दम पे पहले तो वैश्यों को नहीं शूद्र भाइयों को कंट्रोल किया, उनको एजुकेशन से दूर किया, उनको हर चीज से हटाया। फिर वैश्य भाइयों को दबाया गया, वो तो वैसे लड़ाकू थे नहीं दब गए, लेकिन जब इनका कंट्राडक्ट डिक्टिव हुआ क्षत्रियों से, जाटों से, गुजरों से या हीरों से, राजपूतों ने तो इनको अपना लिया था ब्राह्मण अपना गुरु मान, लेकिन यादव जाट अहीर ये लड़े। आज भी कभी देखना इनकी आपस में कम बनती है, या ये मानिया ये हमेशा ब्राह्मण विरोधी बात करते हैं कौन। हम ये तो नहीं कहते कि आपस में लड़ना चाहिए, हम बार बार फिर ये कहेंगे कि कई चीजों को बनाने के लिए कई चीजों का भूलना बहुत जरूरी होता है। आप एक चीज को बचाना चाहते हैं तो एक चीज को करना चाहते हैं, अगर एक चीज को बचाएंगे तो एक चीज का आपको बलिदान देना पड़ेगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो राजनीति में चलती है, समय के हिसाब से भाई ये देश के बच्चे हैं, और जब कोई बात हो जाए ये फलां जाति के हैं। अब खुद समझदार क्या होता है, किसान आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। पहले किसान थे, फिर जाट हुए, फिर खालिस्तानी हुए। आप समझदार इससे ज्यादा क्या कह सकते, लेकिन अब ये बेड़ा जाट भाइयों को उठाना पड़ेगा, चाहे मुस्लिम जाट हो, चाहे सिख जाट हो, चाहे बिश्नोई जाट हो, चाहे अंजना जाट हो, तो कोई जाट हो, अपनी हिस्ट्री को खंगालें, लिखें और हमें भेजें ताकि हम उसको अपग्रेड करके और आगे आपके सामने ला सकें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।